राम राम जी, कैसे हो सब। और आज है होई अष्टमी, तो आप सबको हैप्पी होई। होई अष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह है तो सुबह का ही टाइम है देखिए, और सुबह का जो काम होता है हमने वो सारा अपना पूरा कर लिया है। और शोभा नहाकर आ चुकी है, और शोभा ने है ना सूट पहना है अभी तैयार होने से पहले। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो मैंने भी अपना सूट निकाला है। साड़ी तो मैं बाद में ही पहनूंगी, तो नहाने के बाद मैं सूट ही डाल कर आ चुकी हूँ। मैं भी नहा चुकी हूँ और शोभा कर रही है पूजा। तो फ्रेंड, व्लॉग को प्लीज़ पूरा देखना और मुझे कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो देखो पूजा शोभा की हो चुकी है। और हाँ, मैंने है ना कई जगह अपनी रियल आवाज़ रखने की कोशिश की थी, आवाज़ भरी थी, लेकिन वो जल्दी जल्दी में एडिट करने के चक्कर में मैंने सारी ही म्यूट कर दी है। तो सारे वीडियो में मैंने है ना ओवर वॉइस ही की है। और यहाँ पर मैं चढ़ रही हूँ टांड पर। गाँव में है ना ये जो कबर्स होते हैं ऊपर वाले, इनको टांड ही बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने रखी हुई है होई के करवे कलश जो होते हैं, होई के करवे कलश जो होते हैं वो टांड पर रख देते हैं हम पूजा करने के बाद, क्योंकि हमने है ना स्टील की बनवाई हुए हैं, तो वो टांड पे रखे हुए हैं। मैं उन्हें उतार के लाई हूँ टांड पर से चढ़ के। तो अब मुझे ये धो के है ना भरने हैं और चौकी लगानी है होई की। तो मैं किचन में ही भर रही हूँ इन्हें धोकर। तो मैं इन्हें धोने के बाद लगा दूँगी चौकी के पास। तो इनमें तीन बड़े मटके हैं और तीन हैं लोटे, जो मटकों के ऊपर भर कर रखे जाएंगे। मैं चौकी लगने के बाद आपके साथ दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लगानी शुरू कर दी है। और ये बहुत लंबी हो गई थी क्लिप पानी भरने वाली, क्योंकि बड़े बड़े मटके हैं, तो मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है। और यहाँ हमें कैलेंडर भी लगाना है। जो पहला कैलेंडर लगा हुआ है वो करवा चौथ माता का है, तो अब की बार होई माता का भी आ चुका है कैलेंडर नया, उसे भी यहीं पर लगाएंगे। और शोभा और मैं दोनों ही मैंने मटके धो के भर के रख दिए हैं, और इन पर अभी कलावे बांधने हैं और इनके ऊपर रखने हैं लोटे। तो आप देख सकते हो तैयारी चल रही है चौकी लगाने की। तो यहाँ पर कैलेंडर लगाने की शोभा देख रही है कि कहाँ पहला कैलेंडर जो लगा हुआ है भाई उसके ऊपर तो लगा नहीं सकती, तो साइड में लगाएंगे हम कैलेंडर होई माता का। और हमारा कैलेंडर लग चुका है। देखिए टेल पर चिपकाने में थोड़ी दिक्कत होती है, टेप से ही लगाना पड़ता है, तो हमने सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद वो कलश के नीचे डालने हैं गेहूँ, और कलावा भी बांध दिया है, तो वही तैयारी में लग रहे हैं। और उसके बाद होना है तैयार। कथा सुनने का टाइम भी हो चुका है, क्योंकि कितनी भी सुबह से लग जाओ पहले घर का काम पूरा करना पड़ता है, और उसके बाद व्रत की तैयारी करनी पड़ती है कथा सुनने की, तो बज ही जाते हैं 1-1.5 तो आराम से बच जाता है। और करवा चौथ वाले दिन तो हमें काफ़ी टाइम हो गया था, 2-2.5 बजने को हो गए थे कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर शकरकंदी रखी जाती हैं करवों के ऊपर, तो उबाल चुकी हैं शकरकंदी और ये हमने निकाल कर रख दी हैं। तो हमारी चौकी भी लग चुकी है होई माता की। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है माता का दरबार। पूरी तैयारी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं दोनों बहनें तैयार होने के लिए। तो मैं रूम में आ चुकी हूँ और मैंने बदल ली है अपनी चुकटी, और साड़ी भी मैं पहन चुकी हूँ। तो मैंने रानी कलर की कुछ रेड से कलर की साड़ी है ये मेरी, तो मैंने यही पहनी है। और मैंने अपनी पजेब भी बदलनी है। तो आप देख सकते हो मैंने अपनी चुकटी सैंपल दोनों चेंज कर ली हैं, और अब मुझे होना है तैयार। तो मैंने अपने सिर पे बांधी हुई है चुन्नी, क्योंकि मुझसे गीले बालों में काम नहीं होता है, क्योंकि सर धोने के बाद है ना सर में से पानी निकलता रहता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा भारी बन जाती है और मेरे सिर में हो जाता है दर्द। तो इसलिए मैंने है ना चुन्नी ही बांध ली थी, क्योंकि तौलिया बहुत हैवी लगता है, मेरे सर्वाइकल में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैं चुन्नी हल्की होती है सिर से बांध लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने मंगलसूत्र भी पहन लिया है,
और ये पहन रही हूँ मैं सेट। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो मेरी ज्वेलरी कैसी लग रही है। और ये गोल्ड का नहीं है, आर्टिफिशियल है। यही मैंने करवा चौथ पे पहना था, तो गोल्ड का तो मैंने कुछ पहना नहीं है, बस जो डेली में पहने रखते हैं कुंडल वो ही हैं, और गले में मंगलसूत्र पहन लिया है, और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सेट पहन लिया है मैंने, चेंज मैंने और किया नहीं है। इसके कानों के भी हैं इसके साथ के, और टिक्का भी है, तो मैंने तो बस गले गले में पहना है। और अब मैं हो रही हूँ तैयार, तो देखो मैंने जुगाड़ कर रखा है सामान रखने का। तो इस डिब्बे में तो है चूड़ियाँ, और मुझे चूड़ी पहननी है, अपनी पहली चूड़ी मुझे चेंज करनी है, तो साड़ी के साथ की पहनूँगी सेट लगा कर। तो मैंने हाथों पर लगा ली है वासलीन, और अपनी चूड़ियाँ मुझे चेंज करनी है, क्योंकि देखिए चूड़ियाँ निकल नहीं पाती हैं बिना कुछ लगाए हुए हाथों पर। या तो आप लोशन लगा लीजिए या फिर वासलीन लगा लीजिए। तो मैंने ऐसे ही वासलीन लगा कर चूड़ियों को बढ़ा दिया है, और अब मैं पहन रही हूँ साड़ी के मैचिंग साड़ी, ओ साड़ी के मैचिंग चूड़ियाँ पहन रही हूँ मैं। और ये साड़ी हम छुट्टियों में लेकर आए थे, तो घर पर से ही इसका ब्लाउज सिलवा कर लाई थी। शॉपिंग तो कुछ भी हो ही नहीं पाई है, आपको पता है। तो हर्षित ने मुझसे कहा, मम्मी अब की बार आप सूट मत पहनना, साड़ी ही पहनना। तो मैं सोच रही थी सूट ही डाले रखूँ, फिर सोचा बच्चों का त्यौहार है उसने बोला है, तो मैंने फिर आज साड़ी पहन कर ही कथा सुनी है, और उसके बाद तो देखिए चेंज ही होगा। तो यहाँ पर मैंने अपने बाल भी बहा लिए हैं, और साड़ी भी मेरी पहनी जा चुकी है, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। बस मेरा अभी पल्ला लगाना रह चुका है और नेल पेंट लगानी रह चुकी है। तो मैं देख रही थी कैमरे में कि कैसी लग रही है मेरी साड़ी, वैसे मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो यहाँ पर मैं अब नेल पेंट लगाने की तैयारी में बैठ चुकी हूँ, कि तैयार होने के बाद ही लगाई थी मैंने, पहले बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, नहीं तो पहले ही लगा लेनी चाहिए, फिर सूख नहीं पाती है। तो फिर मेरी याद आई, अरे मैंने तो नेल पेंट भी नहीं लगाया है, तो इसलिए मैं लगाने लग रही हूँ नेल पॉलिश। तो यहाँ पर मेरी नेल पेंट हो चुकी है पूरी, और मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने पैरों पर भी लगा ली है और अपने हाथों पर भी लगा ली है। तो मुझे बस पल्ला लगवाना है, और वो लगवाऊंगी मैं अपनी बहन से, वो दूसरे रूम में हो रही है तैयार, तो मैं उसके पास जाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी, बिल्कुल पल्ला मैंने लगवा लिया है, और अब हम जा रहे हैं अपनी होई माता के पास हाथ जोड़ने के लिए तैयार होकर, क्योंकि मैंने चौकी तो बिना तैयार हुए ही लगा दी थी। टाइम लगता है, देखो सोचना पड़ता है, फिर हमने सोचा तैयार होने के बाद हाथ जोड़ लेंगे, और कथा सुनने के बाद फिर चाय पानी भी पीनी है, तो तैयार होने से पहले ही हमने अपनी चौकी लगा लेते हैं। पहले बच्चे छोटे थे तो तैयार होने के पहले सोचते थे तैयार हो जाएं, अब स्कूल चले गए हैं तो आराम से लगा के तैयार हो चुके हैं। आज बच्चों की छुट्टी नहीं थी, करवा चौथ वाले दिन तो उनका स्कूल बंद था, छुट्टी थी। तो यहाँ पर हमारी चौकी लग चुकी है, और हम दोनों बहनों ने माता के पैर छू लिए हैं, और अब हम सुनेंगे कथा, क्योंकि कथा वाले बुआ जी को बुलाने के लिए जा चुके हैं, जो हमें कथा सुनाएंगी, बस वो आने ही वाली होंगी। और अब हम बैठने के लिए बिछा लेते हैं कपड़ा, वो आ चुकी हैं और हम दोनों बहनें बैठ चुकी हैं कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पर हम सुन रहे हैं कथा होई अष्टमी की। और मम्मी बैठी हुई हैं बेड पर, उनकी आंख बनी है, वो नीचे नहीं बैठती हैं, तो वो बेड पर ही बैठकर सुन रही हैं कथा। तो जो जो कथा की विधि होती है, हाथों में चावल दिए जाते हैं, और लोटे छोटे छोटे जो जल देने के होते हैं इनको भर कर रखते हैं, हमारे यहाँ पर लोटे ही भर के रखे जाते हैं, और हमने तो पूजा वाले जो छोटे होते हैं ना सूरज को जल देने के, वो ही भर के रखे हैं। कहीं कहीं मिट्टी के करवे भी भर के रखे जाते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर तो आप
लोटे में भी जल भर के रख सकते हो। और ये पूजा देने की जो घंटियाँ होती हैं ना छोटी छोटी, जिनसे सूरज को अर्घ दिया जाता है, उन्हें भी भर के रख सकते हो। तो यहाँ पर हम कथा सुन रहे हैं और हमारी कथा अब पूरी हो जाएगी, उसके बाद जाएंगे सूरज को जल देने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने हमें चावल दे दिए थे और हमने बांध लिए हैं अपने पल्लों में। तो रात को जब तारों को अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद ये चावल पल्ले से खोले जाएंगे और हम अर्घ देकर आ चुके हैं ऊपर। और यहाँ पर जो कथा सुनाने वाली बुआ जी थी, उनको जोड़ा, साड़ी, गेहूँ और जो भी आपकी वही इच्छा होती है अपनी खुशी से, त्यौहार पर आप कथा सुनने के उसमें देते हैं तो वो ही सब दे रहे हैं। और देखो मम्मी बैठी हुई हैं बेड पर, अब वो चल दी हैं। हम दोनों बहनों ने उनके पैर भी छू लिए हैं। तो हम कह रहे थे बुआ जी चाय बना रहे हैं, चाय पी के जाना, तो उन्होंने मना कर दिया था चाय पीने के लिए। और मम्मी के भी पैर छू दिए हैं, तो अब हम जाएंगे चाय बनाने के लिए। तो कथा भी हो चुकी है और अब हमारा बच्चे भी स्कूल से आने ही वाले हैं और उनके पापा भी आने वाले हैं। तो अब सोच रहे हैं कि बच्चों के आने से पहले जल्दी से अपनी चाय बना लें। तो यहाँ पर हमने चाय बना ली थी, लेकिन चाय काफ़ी लेट बनी थी क्योंकि बच्चे और उनके पापा आ चुके थे और हमें उन्हें बीच में खाना देना पड़ा। तो अब हमने अपनी चाय भी बना ली है और मैंने है ना चाय गिलास में कर लिया क्योंकि ठंडी हो जाती है और ठंडी चाय मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मैं आपसे बात कर रही थी लेकिन मैंने सारी ही आवाज़ें म्यूट कर दी थी, तो इसलिए मुझे और वही चीज़ भरनी पड़ रही है। तो यहाँ पर मैंने अपनी चाय बना कर रख ली है और कर लिया है चाय पीने के बाद अपनी साड़ी चेंज कर ली है और ये सूट डाल लिया है क्योंकि साड़ी में देखो काम नहीं होता है और जल्दी से ही हमें काम की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि तारे तो जल्दी ही निकलेंगे, इतनी लेट नहीं निकलते हैं। सूरज से तो पहले ही वो चंदा से तो जल्दी ही निकल जाते हैं, यानी कि 7 बजे या 6:30 बजे तारे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहना है सूट और मैं आपको अपना सूट दिखा रही हूँ और मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि आलू उबलने रखे थे, वो ठंडे करके छीलने हैं और हमने कर दी है अपने पूजा पे उतारने की तैयारी। तो हमारे यहाँ पर पूड़े उतरते हैं, पूरी उतरती हैं और सबसे पहले तो पूजा पे उतरेगा, उसके बाद बनाएंगे सब्जी। तो हम जल्दी जल्दी से पूड़े उतार रहे हैं और शाम की चाय बनाकर सबको दे दिया हमने 5 बजे ही, क्योंकि फिर 5:30 बजे से बाद में कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। तो यहाँ पर पूड़े हमारा तेल हो चुका है और शोभा है ना पूड़े और पूरी बना रही है। तो मैं मान रही हूँ चून और चून मान रही हूँ मैं बाहर जो हमारे ये बेड रखा हुआ है गैलरी में, इस पर हमने बैग वैग बहुत सामान रखा हुआ है। तो मैं खड़े होकर माटा ले जाता हूँ, हमसे खड़े होकर ही पूजी जाती है होली अष्टमी। तो मम्मी को दे दिया है हमने पूजा पकड़ के कि आप पूज लो और मम्मी ने होली पूज दी है। तो वो ही होता है पूड़े, पूरी और साड़ी और जल फिरता है, तो सबकी अलग अलग वो होती है। तो मम्मी ने अपनी होली को पूज दिया है और अब मैं जा रही हूँ होली पूजने के लिए। तो देखिए होई की थाली में रखी जाएगी साड़ी और पैसे जो भी होता है, और आप खुद ही देख लो कैसे कैसे पूजी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी होली अष्टमी का कलश पूज दिया था और अब शोभा भी पूज देगी। तो उसके बाद हम बनाएंगे सब्जी,
क्योंकि दिन दिन में ही पूज देते हैं और जब तक सूरज छिपता नहीं है उससे पहले ही पूजना होता है। तो यहाँ पर मम्मी के पैर भी छू दिए हैं और मम्मी को पुजापा भी दे दिया है। तो शोभा अपने पूजने के पूड़े और पूरी रख रही है, शोभा भी पूज लेगी। तो मम्मी गैलरी में ही बैठी हुई हैं तो शोभा पूछ के उन्हें वहीं पर दे देगी। मम्मी कमरे से बाहर आ गई थी, नो चलो मैं भी बाहर ही बैठती हूँ। और पानी फेर दिया है थाली पर, पूजा पेपर और माता को इस तरीके से पूजी जाती है, आप भी देख लो। और मम्मी को दे दिया है पुजापा और उनके पैर भी दाब दिए हैं। तो यहाँ पर है ना तारा निकल चुका है और हमने जिन कपड़ों में कथा सुनी थी वो कपड़े भी हमें पहनने होते हैं क्योंकि उनमें ही दिया जाता है तारे को जल। तो यहाँ पर हम अपने लोटे लेकर जा रहे हैं और शाव और बछड़े जो होते हैं वो हमने कलश को पहना दिए हैं और अब हम जा रहे हैं ऊपर लेकर अपने अपने लोटे। तो शोभा जा चुकी है और उसके बाद जा रही हूँ मैं अपना लोटा लेकर। तो वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो गया था तो इसलिए मैंने बहुत बहुत काटा है, लेकिन मैंने दो व्लॉग नहीं बनाए हैं, मैंने सोचा आज एक ही बनाऊंगी। तो हम पहुंच चुके हैं छत पर और रात को पूरे हो चुका है। तो यहाँ पर शोभा ने दे दिया है तारिक को, तारे निकले पर ही जल दे देते हैं आज के दिन। तो यहाँ पर मैं चावल खोल रही हूँ और चावल से दे दूँगी अर्क। तो वीडियो बस पूरा हो चुका है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।